हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग टाइम है, सुबह के बजे हैं पूरे 7 और मैं नहा के पूजा करके फ्री हो गई हूँ। आज शिव जी भगवान जी का बार है, सोमवार, और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आजकल गंगा रंग में नहीं, अपने मायके के शिव जी भगवान जी के मंदिर में ही पूजा अर्चना हो रही है। जब सांगला जाऊँगी तो आप लोगों को गंगा रंग के दर्शन भी करवाऊँगी, लेकिन अभी आजकल मैं अपने मायके के ही आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ। चारों तरफ की हरियाली बहुत ही प्यारी। तो अभी सुबह से ही बारिश लगनी शुरू हो गई, आप लोग देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, और अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई। तो लग तो नहीं रहा वैसे इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, क्योंकि पिछले कल भी नहीं हुई थी, गर्मी हो गई थी, तो ठीक हो गया। अभी मौसम मतलब ठंडा ठंडा हो गया है थोड़ा सा, बारिश का मौसम जब बना है, नहीं तो बारिश नहीं होना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो फिर किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का। ये देखिए जी, धुंध पड़ चुकी है, अखरोट के पेड़ों के नीचे, केले के पेड़, कद्दू की बेल, हमेशा यही दिखाती हूँ तो मेरे सामने यही है, मेरे मुंह के सामने, तो मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मक्की के खेत, बहुत बड़ी बड़ी मक्की, तो कुछ दिन लग जाएंगे मक्की पकने के लिए। और मेरे फॉलोवर भी बोल रहे थे कि हमारे को भेज देना भुट्टा, तो भुट्टा भी बोलते हैं मक्की को, वैसे सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है। तो क्या क्या बोलते हैं, हमारे तो कुकड़ी बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो मेरे मायके में कुकड़ी बोलते हैं, कहीं छल्ली बोलते हैं, कहीं भुट्टा बोलते हैं, कहीं मक्की बोलते हैं, इस तरह से रहता है इसका नाम। तो हम तो यहाँ पर कुकड़ी बोलते हैं, वे कुकड़ी पुननी आज। और कब वो दिन आएगा कुकड़ी भूनने का, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुकड़ी खानी मक्की खानी कुकड़ी वैसे मुर्गी को भी बोलते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है, हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कुकड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। कुकड़ी खानी भाई आज जैसा कुकड़ी खानी पुन्नी की। तो जी पहुंच गए किचन में, और अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, और मम्मी की फेवरेट डिश आज भी बनेगी, पिछले कल भी बनाई थी। मम्मी को ऐसा लगता है कि बस मेरे रोज वही मिल जाए ना, कड़ी, खासकर कड़ी मम्मी को पसंद है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हुई, या फिर खैरू कड़ी, या फिर मूंग दाल की कड़ी। और आप लोगों को पता है कि एक और चीज मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है, डिश जिसका नाम है मूंग दाल का भल्ला, है ना मम्मी? भल्ला बहुत ज्यादा पसंद है मम्मी को, तो मम्मी को आज भल्ला खाना है मूंग दाल का, और साथ में मूंग दाल की ही कड़ी, तो वही बना रही हूँ, मम्मी की फेवरेट डिश, है ना मम्मी? तो मैं बना लेती हूँ, और मम्मी की तबीयत में भी थोड़ा सुधार हो गया है पहले से, और काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बस इनका थोड़ा ऐसा था कि इनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो जिस तरह से हम लोग मूंग दाल का ये हल्का रहता है खाना, तो वो बना रहे, तो वो बहुत बेस्ट है, हमारे लिए भी बेस्ट है, वैसे हल्का ही खाना खाना चाहिए हम सबको, बाकी हैवी दालें और हैवी खाना, तला हुआ खाने से दूर रहो सब लोग, अगर बीमारियों से दूर रहना है तो ये तली हुई चीजों से और बाहर के खाने से दूर रहो, बस घर का खाना खाओ जो भी तो है। सबसे पहले मम्मी को शुरू में अनार का जूस बना दिया जाएगा, मॉर्निंग में भूखे पेट अनार का जूस बहुत बेस्ट है। तो ये देखिए इतना सा जूस निकाल दिया है, उसके बाद फिर मम्मी को लैंटर के ऊपर बैठा दूंगी, जिससे बाहर उनका मन भी लगा रहेगा और अंदर मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे और यहाँ से नज़ारे देखते रहेंगे बाहर का। तो ये देखिए मूंग दाल पिसा दी है, आधी अलग कर दी है बिना मसाले वाली, और आधी यहाँ पे है जिसमें थोड़ा मसाला डाल दिया, और ये भल्ले के लिए तैयार हो रही है। इसमें जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला और काला जीरा और जी साथ में नमक, हल्दी और छोटी सी हरी मिर्च, क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा चटपटा भी होना चाहिए, लेकिन हरी मिर्च नुकसान नहीं करती है, एक टुकड़ा मिर्च का डाला है, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से इसको मिक्स करके अलग से पिसाया है, जिसका भल्ला बनाया जाएगा और इसकी कड़ी बनाई जाएगी। तो मूंग दाल की कड़ी और साथ में भल्ला बनने जा रहा है आज ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट क्या लंच भी साथ में। तो ये देखिए जी तड़का हो गया है कड़ी के लिए, मूंग दाल की कड़ी अगर बनानी हो तो सबसे पहले इसको पानी के साथ पकाना पड़ता है। ताकि ये पक जाए दाल, बाद में इसमें लस्सी ऐड करनी पड़ती है, तो पानी इसमें डाला है मैंने पहले, थोड़ी देर इसको पानी के साथ पकाने के लिए छोड़ देंगे और फिर बाद में इसमें लस्सी ऐड करेंगे जब ये थोड़ी पक जाएगी, ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना दाल का वो ख़त्म हो जाए। तो बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं है,
पर थोड़ी थोड़ी लगी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। और यहाँ पे हमारे ताऊ जी को बताती हूँ सुबह सुबह, राधे राधे ताऊ जी। और ताऊ जी की एक खास बात आप लोगों को बताती हूँ कि बारिश होगी चाहे बर्फ होगी, बर्फ तो खैर यहाँ पे पड़ती नहीं है, लेकिन बारिश होगी तब भी ताऊ जी छाता लेके बाहर बैठे होंगे गार्डन में, क्योंकि उनको बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है शुद्ध ताजी हवा में। अंदर ये बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं, मतलब दिन को बिल्कुल भी अंदर नहीं बैठ सकते हैं, दम चढ़ता है ना ताऊ, ऐसा बोले ताऊ जी मेरा दम चढ़ता है अगर मैं अंदर बैठूँ, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है इनको ना, तो ये छाता लेके बारिश में भी बाहर ही रहते हैं बैठे हुए। ये देखिए अच्छा है, मौसम का नज़ारा लेते हुए ताऊ जी यहाँ पे बाहर बैठे हैं गार्डन में पर अंदर नहीं जाएंगे ताऊ जी हमारे ताऊ बढ़िया लगे करो सब अच्छी बैठी की। ये देखो ताऊ जी का छाता। तो जब ये इस तरह से उबलनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि दाल पक चुकी है। इसके बाद इसमें लस्सी ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये है जी लस्सी, ताज़ा ताज़ा लस्सी है। थोड़ा इसको हिला देती हूँ क्योंकि पानी ऊपर से जम जाता है, निकल जाता है। तो अब इसमें थोड़ी लस्सी ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ी देर उबालेंगे और फाइनली कढ़ी तैयार। तो ये देखिए जी फाइनली भल्ले बनके रेडी हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। और मूंग दाल के इसी तरह से बनते हैं, बहुत ही अच्छे छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, क्योंकि मुझे ना इसमें डालने कढ़ी में मूंग दाल की ही कढ़ी में। कढ़ी भी बनके रेडी हो ही गई है, फाइनली लंच तैयार हो रहा है, ये ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही तैयार हो रहा है। और ये देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं भल्ले। तो ये है ऑर्गेनिक भल्ले, इनसे कोई भी नुकसान नहीं है। ये देखिए तवे के ऊपर इस तरह से ये बनते हैं। तो जी बनने के बाद सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित मम्मी टेस्ट करके बताएंगे। लो जी मम्मी दस देवे केड़ा बनूगा खाई की, केड़ा बन रहा बहुत टेस्टी सच्ची, मीन जब टेस्टी लगे मैं भी थोड़ा आज खाद्या था ना इं टेस्ट कित मैं चबाई चबाई की खाई लगी, अवड़े अवड़े गर्म आ जाना मज़ा आएगा तो एक पीस मैं अभी टेस्ट करती हूँ। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बने हैं और मम्मी खा के इंजॉय कर गए हैं इसके साथ साथ हमारे ताऊ जी बैठे हैं गार्डन में, एक ताऊ जी को भी टेस्ट करा देते हैं, हमने टेस्ट कर करके खत्म करने हैं। वैसे ताऊ पल्ला खाना है हाँ नहीं खांदे तलूरा नहीं है तवे पर पकावरा। और अब जो बच गए वो है कड़ी के लिए, ये कड़ी में पड़ जाएंगे डुबकी लगा के। ये देखिए जी अब बन गई भल्ले वाली कड़ी मूंग दाल की, मूंग दाल का ही भल्ला और मूंग दाल की ही कड़ी। और इसके साथ साथ मैं तड़का लगा दूंगी थोड़े से पतीड़ को, तो कुछ शाम को बना दिया था कुछ अभी बना रही हूँ। आप लोगों को पता है बासी पतीड़ बहुत ही यम्मी होता है, तो तवे के ऊपर तड़का लगा रही हूँ इसको। इसमें मैंने घी लगा दिया है, इसमें ऑलरेडी मसाला होता है पड़ा हुआ, ये तो मैं ऐसे ही थोड़ा टेस्ट ओवर करने के लिए डाल रही हूँ मसाला। तो प्याज भी ऐसे खाना बन जाता है। और इसमें मैंने ना भल्ला बनाया था पहले, तो मैंने सोचा इसी तवे के ऊपर मैं ये पतीड़ को तड़का लगा देती हूँ। और फाइनली बन गए हैं पतीड़ यम्मी यम्मी। तो अब हम लोग कर लेंगे लंच, मम्मी लगे हैं बाहर अब नाखून काटने, क्योंकि मम्मी के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे, कुछ तो मैंने काट दिए थे कुछ मम्मी अपने आप काट रहे हैं, क्योंकि दूसरों के हाथों से ना नाखून डर लगता है कि जैसे कहीं चमड़ी ना काट दें, तो इसलिए मम्मी खुद ही काट रहे हैं। ये देखिए अब मैं कर रही हूँ जूतों की तैयारी, जूते पहनने की। और ये हैं संजू के जूते, क्योंकि मेरे पास मैं जूते नहीं लेके आई हूँ, चप्पल के साथ आई हूँ, तो जूते पहन लेती हूँ थोड़े से साफ़ किए, बहुत टाइम से ये पड़े हुए थे यहाँ पे, मैंने सोचा अंदर कहीं सांप ही ना हो
के अंदर आजकल डर लगता है, जूतों के अंदर भी सांप चले जाते हैं भाई बरसातों में। क्यों ताऊ ताऊ जाइ ते सुनने दे आया करो भाई, डोरू खाए थे सूर है ना, सूर ने खा लिए डोरू। मम्मी देखे वहां ते बेचारा खाड़ो के जाए क्या ना, कुकड़िया कुकड़िया तोड़ तुड़िया बोलिया मुफ्तिया। तब तक मम्मी यहाँ पे रेस्ट करेंगे, ताऊ जी के साथ गप्पे लगाएंगे है ना ताऊ, गप्पा गुप्पा लगाओ तो दूध से पितरु जाना। चल तो मम्मी को मैं अंदर छोड़ देती हूँ, ठीक है दे बूट बाद ना तो पहन लूँ। मम्मी रेस्ट करेंगे क्योंकि मम्मी ने अभी दवाई का खाई है, खाना खा के थोड़ा सा मम्मी बाहर आए थे, नेल कट नाखून नुखून काट दिए हैं और अब अंदर ले जाती हूँ मम्मी को। कुकड़ियाँ मतलब छलियाँ मक्की, तो ये मक्की के खेत हैं और ना आजकल ना यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मक्की हो गई है कि मक्की के खेतों के अंदर जाना ना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे अंदर बहुत बड़े बड़े जानवर छुपे होंगे ऐसा डर लगता है। वैसे तो मेरे को उस दिन वो जो यहाँ पे गो मैंने बताई थी ना गो लिजार्ड जिसको बोलते हैं, तो उससे भी डर लग गया था मुझे। बहुत से लोगों ने कहा कि वो नहीं करती है कुछ नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है, आप डरिए मत। लेकिन भाई डर तो डरते तो सच्चे हैं, क्या करें डरना भी पड़ता है। तो अब चढ़ाई है थोड़ी सी मम्मी के खेत जहाँ पे है ना, वहाँ जाने के लिए बहुत चढ़ाई है। और चलते चलते पहुँच गई मम्मी के म्याड़े के पास। ये देखिए मम्मी का म्याड़ा, तो गाय तो है नहीं और आजकल घी और कद्दू ना बहुत ज़्यादा लगे हुए। ये देखिए ये घी है कद्दू की बेल यहाँ पे, ये बट वृक्ष है जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी बेल चढ़ी हुई है। तो फिलहाल मैं ही हूँ, संजू अभी गया है मम्मी की दवाई लेने क्योंकि मम्मी की दवाई ख़त्म हो गई है, तो वो उसको लेने के लिए गया है एम्स। और जाती हूँ जी ऊपर खेत में देखने के लिए, अदरक के खेत कितने बड़े बड़े सच में जहाँ भी देखो ना। वैसे जो बिलासपुर और सोलन की यानी कि जो मेरे मायके का अदरक है ना भाई A1 होता है, बहुत ज़्यादा अदरक की फसल होती है। तो ये देखिए जी नीला अद्दा बहुत ही ज़्यादा, और ये है मक्की की खेत शुरू हो गए अब। चलिए बीच में से, और हम लोग यहाँ से ही जाके घास भी लाते थे किसी जमाने में। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा घास भाई, ये देखिए सुनने में आया है कि सुअर ने जंगली सुअर ने यहाँ पे अटैक कर दिया है मक्की को। ओ भाई, तो एक खेत यहाँ पे है मम्मी का, ये देखिए यहाँ तो नहीं है वैसे है? कहाँ पे लगा होगा सुअर। सुनने में आया था कि यहाँ जैसे सुअर ने हमला ढाबा बोला। हाँ भाई हाँ, एक मक्की तो दिख गई यहाँ पे काटी हुई। आगे चल मंजू तू आगे देख, चलिए दिखाते हैं और कहाँ पे क्या हुआ है। और ये है टैंक, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये टैंक, ये देखिए। तो ये टैंक को तथा इसमें किसी जमाने में पानी स्टोर किया जाता था खेतों में लगाने के लिए। उस वक्त ये जो खेत हैं, ये देखिए एक खेत ये है मम्मी का। वो भाई ये देखिए जो गोबर ना इकट्ठा किया हुआ है बाद में खेतों में डालने के लिए, उसका भी कर दिया कबाड़ा भाई। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये एक खेत यहाँ पे मक्की का और एक ये ऊपर खेत, बाद में दिखाती हूँ। पहले ये टैंक के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी मैं कुछ, तो ये टैंक होता था कि इसमें पानी स्टोर करते थे। आज देखिए इसमें घास उग गया है और यहाँ से नीचे जितने भी ये खेत हैं सब में चावल यानी धान की फसलें उगाई जाती थी, तो धान ही धान होते थे बहुत ज़्यादा जितने भी ये खेत हैं। तो आज ये देखिए बराड़ी, इसमें बैर भी लगे हुए, ये देखिए भाई। तो आप लोग देख सकते हैं बिलासपुर और सोलन की बाउंड्री में आ गया है सुअर भाई, सुअर जंगली सुअर, कहीं अभी तो नहीं है यहाँ पे। ये देखिए मक्की को कर दिया है कबाड़ा। ओ मम्मी को मैं फ़ोन पे बताऊंगी कि इतनी हालत ख़राब कर दी है मक्की की। ये देखिए वही मक्की कैसे नीचे फेंक दिया है मक्की को, ये देखिए ये देखिए सारी मक्की को तोड़ दिया है, पूरी तोड़ दिया है मक्की को यहाँ से ऊपर भी और यहाँ पे भी।
सारी मक्की को तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो खेत है ना, ये घर से दूर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जंगली सुअर वगैरह आ जाते हैं, जो नुकसान कर जाते हैं खेतों का, मक्की की फसल का। और जो घर के पास होते हैं खेत, उनमें उनको भी डर लगता है कि कहीं हमारे कोई ना अटैक कर दे, कोई घर के आदमी। लेकिन हमें खुद को डर लगता है, हम तो भाई अटैक कर बैठे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए गोबर को किस तरह से उन्होंने उथल पुथल तहलका मचा दिया है। बहुत बुरे हाल भाई, ये देखिए पूरी फसलें खराब यहाँ से नीचे। और ऊपर वाले खेत में मुझे जाने को ही डर लग रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगी भाई ऊपर। बस इतना ही दिखाऊंगी आप लोगों को, यहाँ से ऊपर भी खेत है मम्मी का, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। तो फाइनली इतना बुरा हाल कर दिया है खेतों का सुअर ने। और ये है जी ब्राड़ी, कुछ टाइम के बाद बैर भी लगते हैं। ये देखिए बैर अभी कच्चे हैं, तो ये बैर ना बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में मज़ा आता है इनको। पर चूंड भी बनती है इनकी, और इस तरह से इसको नमक के साथ, मिर्च के साथ भी खाया जाता है, और ऐसे भी खा लेते हैं इनको। सच बात है कि इतनी फसलें बिजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बाद में इस तरह से नुकसान करने को मिले तो। जैसे जंगली जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं, और ये हमेशा होता है, पहले पहले भी होता था, हमेशा से करते हैं। जंगली सुअर जो होते हैं ना, वो मक्की को अटैक कर ही देते हैं, पर चलो क्या कर सकते हैं, उन्होंने भी कुछ खाना ही है। पर ऐसा बोलते हैं कि अभी तो पकी भी नहीं है मक्की, खाने लायक हुई नहीं है, उन्होंने पहले ही कर दिया, इसका घमासान तो यार। तो यही दिखाना था मुझे, और मम्मी को मैं फ़ोन के जरिए दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी आ नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो ये ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ, थोड़ा लंबा ही हो जाता है ब्लॉग दिखाते दिखाते। इसके साथ ही आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त हुआ। ओके, बाय बाय ऑल।